इंदौर भूमाफियाओं के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल लिया है। गरीबों को सताने वाले भूमाफियाओं की सूची बनाकर कलेक्टर को सौंपी जा रही है। शिवसेना ने इस अभियान की शुरुआत तेजाजी नगर के पास केलोद करताल की अवैध कॉलोनी से की है। खेती की जमीन पर बेखौफ कॉलोनी काटी जा रही है, जिस पर कार्रवाई की मांग शिवसेना ने की है। ऐसी ही अन्य कॉलोनियों की सूची बनाई है जिसमें गरीबों को ठगा जा रहा है। इंदौर शहर में कई भूमाफिया ऐसे हैं जो अब तक प्रशासन की नज़र से बचे हुए हैं। TI तेजाजी नगर ने अवैध कॉलोनी के संदर्भ में निगम का पत्र प्राप्त होने की बात कही है। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। ये कहने का किसके संबंध में कॉलोनी किया जाए, ये जो अवैध अवैध कॉलोनी कट रही है रिमूवल के लिए नगर निगम जब भी बल्ब की डिमांड करेगा बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ये हो सकता है कि कभी कोई दूसरे ग्रुपों में हम लोगों का बल लगा हो एंगेजमेंट हो तो समय तक तत्समय उपलब्ध नहीं कराया जा पाता, लेकिन नगर निगम के शहर के लिए उपलब्ध कराया जाता। अभी एक दिन डिले हुआ था शायद किसान आंदोलन चल रहा, जिस दिन किसान आंदोलन था उस दिन कुछ रिमूवल के लिए लेटर आया था। अच्छा, तो चूँकि किसान आंदोलन में हमारा बल और बाहर से लगाया हुआ इसलिए उस दिन उपलब्ध नहीं कराया जा सका था, जो सूचना दी गई। शिवसेना ने बड़ी मेहनत करके एक भूमाफियों के खिलाफ एक सूची तैयार करी है और वो सूची हम माननीय मनीष सिंह जी कलेक्टर साहब को हम देंगे उसको, और जो जिसकी शुरुआत है जो वो हम केलो थाला से कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई हमें दिखी नहीं है। जो निगम अधिकारी जो शांत क्यों बैठे हुए हैं, क्या उनकी कुछ सांठगांठ है? लेकिन उस सांठगांठ को हम लोग ओपन करेंगे और इसकी सूजी पूरे जिले के अंदर इंदौर शहर के अंदर चलाएंगे। ये शिवसेना का मेन मशक्कत रहेगा। मैं प्रदीप भावसार, इंदौर संभाग के संगठन प्रमुख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।